गजलों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बान तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कवल, जुनून गज़ल मंजिल मिले मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। नाज़रीन, जुनून ए गज़ल के इस आखिरी किस्त, इस आखिरी मुकाबले में मैं हर्षिता गौर आपका एक बार फिर इस्तकबाल करती हूँ। और इस मंजिल की जुस्तजू में हमारे बीच मौजूद है हमारे दो उम्मीदवार, आदित्य सिंह और गिरीश साधवानी। तो कौन होगा फतेहयाब और कौन पिछड़ जाएगा? जी हाँ, इसका फैसला करने के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे मुआज़्ज़ज़ जज साहिबान जनाब विकास आनंद जी और जनाब कुलराज बेदी जी। तो जनाब, जुनून ए गज़ल की आखिरी किस्त, आखिरी मुकाबला, दो उम्मीदवार और आपका एक फैसला, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये गुलकारों के लिए मौसीकी एक इबादत से कम नहीं है, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इबादत कर इबादत कर, इबादत से हर चीज़ मिलती है, किसी को आज मिलती है, किसी को कल मिलती है। इबादत अगर सच्चे दिल से की जाए तो कबूल होती है, और इबादत में कहीं थोड़ा सा भी लालच होता है तो नीचे ही आ जाती है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि इबादत सच्ची ही होगी। चलिए नाज़रीन, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपनी हर किस्त किसी मशहूर शायर के नाम मंसूब करते हैं, इसलिए हमारी आज की ये आखिरी किस्त भी किसी मशहूर शायर के नाम मंसूब है, और वो हैं शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब। तो आइए नज़र डालते हैं उनके हालात ज़िंदगी पर। पूरी दुनिया के उर्दू और हिंदी जानने वाले लोग मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक के तौर पर बखूबी जानते हैं। आपकी शायरी जिंदा शायरी का दर्जा रखती है। कलाम इकबाल दुनिया के हर हिस्से में पढ़ा जाता है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर सन 1877 को गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के शहर सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने आपका नाम मोहम्मद इकबाल रखा। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मरे कॉलेज से एफए का इम्तिहान पास किया। आप बैक वक्त शायर, मुसन्निफ, कानूनदान और सियासतदान थे। आप उर्दू के साथ साथ फारसी में भी शायरी किया करते थे। 21 अप्रैल सन 1938 में 60 साल की उम्र में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। तो अभी अभी डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब के ऊपर आपने एक दस्तावेजी फिल्म देखी, तो अब हम बुलाना चाहेंगे अपने मेहमान फनकार, जी हाँ, जनाब हर्ष व्यास को, कि वो आएं और उन्हें एक नजराने अकीदत पेश करें। इकबाल साहब की गजल पेश कर रहा हूं। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभीश्क के इंतहा और भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभीश्क के इंतहा और भी है। सितारों से आगे जहां और भी है,
सितारों से आगे जहाँ और भी है अभी इश्क के क्या हम अगर खो गया एक नशे मन तो क्या हम मकाम आते आ हो फुगा और भी है मकाम आते आ हो फुगा बात है। हर्ष व्यास आपका तो जवाब नहीं। तो जज साहिबान, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये आखिरी मुकाबला। तो आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पहले फनकार साहब गिरीश सिद्धवानी जी को। इजाजत है। मुझे दीदाए तरियादाया फिर मुझे दीदाए तरियादाया दिल जिगर तिश्नाए फरियादा
संग उठाया संग उठाया संग उठाया था कि दरिया गिरीश साहब माशाल्लाह। तो जज साहिबान क्या कहना चाहेंगे आप इस आखिरी मुकाबले की पहली गजल के बारे में? देखिए जब बच्चा छोटा होता है घुटनों के बल चलता है उसको कुछ कहा जाता है, जब पांव के बल चलने लगे तो उसको कुछ तालीम दी जाती है, जब बच्चा बाहर के लोगों के बारे में जाने लगे तो उसे अच्छे बुरे के बारे में बतलाया जाता है, लेकिन जब बच्चा खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया है तो उसके बारे में क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकते। क्या बात है, बहुत बहुत नवाजिश सर। विकास जी बड़ी गहरी सोच में हैं आप। मैं ये देख रहा हूँ कि गजलों की इस जंग में फतेह कौन हासिल करता है जी, इसका तो हम सबको बेसब्री से इंतजार है। इन्होंने तो अपना जलवा दिखा दिया गिरीश ने, अब उनके जलवे का इंतजार है, वो कितने तीर निकालते हैं वो देखना है। चलिए नाजरीन तो देखते हैं आदित्य सिंह क्या जलवा बिखेरते हैं, आइए चलते हैं उनकी गायकी। रात भर उनका तसव्वुर दिल को तड़पाता रहा, एक नक्शा एक नक्शा सामने आता रहा जाता रहा। मतलब पेशे खिदमत है। राज़े उल्फत सिखा गया कोई, राज़े उल्फत सिखा गया कोई, राज़े उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया पे छा गया राज़े उल्फत। दिल की दुनिया उजाड़ सी क्यों है, दिल की दुनिया 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 क्या यहाँ से चला गया कोई, क्या यहाँ से क्या यहाँ से क्या यहाँ से चला
चला गया साहब, कितनी बेहतरीन गजल। तो जज साहिबान, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो यार पसीने आ रहे हैं। आप दोनों ने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। फैसला कैसे किया जाए? अब फैसला होता है कि एक ने अच्छा गाया, एक ने थोड़ा सा कम गाया, तो फैसला किया जा सकता है। लेकिन आप दोनों ही जादूगर हैं, दोनों ने ही बहुत खूब गाया है। नवाजिश तो भाई, मेरे लिए तो फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब मैं बेदी साहब से ही पूछूंगा, कोई हल निकाला जाए इसका। जनाब, यही कहूंगा कि दोनों बहुत उस्ताद हैं अपनी अपनी गायकी में, अपनी अपनी गुलकारी में। तो आप दोनों के लिए एक हम काम कर सकते हैं। ये गज़ल आपको दे दी जाती है, जिसे आप डुएट के रूप में गाएं और दोनों मिल के गाएं, और अगर जिसमें भी दम ज़्यादा है उसकी दम उस समय नज़र आ जाएगी। एक काम मैं और करूँगा उसमें, चूँकि हारमोनियम आपको स और प पकड़ने में बहुत मदद करता है, सुर पकड़ने में बड़ी मदद करता है। साजिदे तो बचाएंगे, लेकिन हारमोनियम आपके पास से मैं हटा दूँगा, ताकि आप अपने सुरों को खुद ना खोज पाएँ, उन साजों में अपने सुरों को खोजें। ऐसा मेरी सोच है। हमारे जज साहिबान ने तो इस मुकाबले को और भी मुश्किल बना दिया है। अब तो मजा आएगा, दिलचस्पी बढ़नी चाहिए ना। बिल्कुल, फिनाले है तो दिलचस्पी तो आपकी तरफ से जोश का जवाब आ रहा थी, बहुत बुझा हुआ जवाब आ रहा मुझे। क्या बात है? कोशिश पूरी करेंगे हम की जैसा सोलो परफॉर्मेंस। मैं हमेशा कहता हूँ, कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे टूट जाते हैं। दोस्त, जरूर कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश करेंगे सर। तो ये फैसला आपको मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। बिल्कुल सर, सर आँखों पे। जो भी बुरा भला है, जो भी बुरा भला है, अल्लाह जानता है। जो भी बुरा भला है, अल्लाह जानता है। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, अल्लाह जानता है। जो भी बुरा भला है, अल्लाह जानता है। ये फर्श अर्श क्या है, ये फर्श अर्श, ये फर्श अर्श क्या है, अल्लाह जान। ये फर्श फर्श क्या है, अल्लाह जानता है। पर्दों में क्या छुपा है, पर्दों में, पर्दों में, पर्दों में क्या छुपा है, अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है।
जाकर जहां से कोई वापस नहीं है आता, वो कौन सी जगह है अल्लाह जानता है, जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, अल्लाह जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, जो भी बुरा भला है, जो भी बुरा भला है, जो भी बुरा भला है। तो नाज़रीन, आपने देखा गज़ल एक, तर्ज एक और उम्मीदवार दो, और वो भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल। लेकिन फैसला मुश्किल है, पर मैं जानती हूँ कि हमारे जज साहिबान ने उनके नंबरात जोड़कर अपना फैसला कर लिया होगा। तो आइए चलते हैं सीधा हमारे जज साहिबान के पास। तो जनाब, अब बस आपके फैसले का इंतज़ार है। जल्दी बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक बात आपसे कि यहाँ से हारमोनियम को हटा लिया गया था, उसकी एक वजह थी। ये दोनों गुलकार, ये दोनों गज़लसरा अपनी अपनी गज़लें पेश करते हुए अब तक यहाँ पर आए हैं, और जिसमें ये बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं उस स्केल में, उस सुर में ये अभी तक गाते आए हैं। लेकिन जो ये गज़ल इनको दी गई है, ये दोनों के सुरों से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। जो हमारे गिरीश जनाब गाते हैं उससे एक नोट नीचे थी, और जो हमारे आदित्य जी गाते हैं उससे एक नोट ऊपर थी। तो दोनों को अपने अपने इलाके छोड़ करके और बीच के किसी इलाके में समझौता करना पड़ा, तो दोनों के लिए मुश्किल चीज़ थी, एक किसी एक के लिए मुश्किल चीज़ नहीं थी। लेकिन दोनों में खूबी ये थी कि दोनों ने अपने अपने जोनल छोड़े, अपने अपने इलाके छोड़े, अपने अपने सुर छोड़े, लेकिन आदतें नहीं छोड़ी। वही सरगम हमें नज़र आई, वही गलेबाजी हमें नज़र आई, वही हरकतें हमें दोनों की तरफ से नज़र आई। बस कहीं, फिर मैं बोलता हूँ, कहीं छोटी सी इधर उधर वाली हरकत ने एक को जीत का हकदार बना दिया और दूसरे को उसके साथ खड़ा कर दिया। तो मैं जो भी फैसला सुनाने जा रहा हूँ, इससे मायूसी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए दोनों को। दोनों ने बहुत उम्दा गाया, जो हमारी जीत के हकदार हुए हैं उनका नाम मैं लेने जा रहा हूं। उनके लिए यही कहूंगा बस कि कामयाबी उनके सामने है, कदम बढ़ाएंगे कामयाब हो जाएंगे। आदित्य साहब, बड़ी उम्मीद थी आपको, आप तो गए। होता है सर, तो आखिरी किस्त है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, उसमें क्या। आप तो कामयाबी का झंडा लेकर आगे गए। आज के हमारे विजेता, आज के हमारे जीत के हकदार आदित्य सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आदित्य जी। और यही कहूंगा कि गिरीश, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हारे हुए उम्मीदवार हैं, आप भी जीते हुए उम्मीदवार हैं। आप अपने जोनल में जीते हैं, वो अपने जोनल में जीते हैं, लेकिन आपके लिए इतना बोलूँगा, आप एक वर्सटाइल सिंगर हैं। आप हर तरह का गीत हो, गज़ल हो, पॉप हो, रॉक हो, हर तरह का गीत गा सकते हैं। और मैं ये इस मंच पर बैठ करके चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी गीत, कोई भी गज़ल लाइए, गिरीश उसकी सरगम क्यों गा के बताएंगे आपको। शुक्रिया, ये आपकी खूबी है और ये
उस मालिक की दी हुई शिफ्ट है, आपको संभाल के रखिएगा। और इनके लिए कहूँगा कि जो मखमली आवाज़ होती है गज़ल में, मल्ला मियां इनको बहुत अच्छी नवाजी है, और जब ऊपर भी जाते हैं तो यहाँ पर चुभती नहीं है आवाज़, तो ये आधा पॉइंट का फ़र्क है बस, और कोई पॉइंट का फ़र्क नहीं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने गज़ल की टीम को, जिन्होंने इतने अच्छे फनकारों को मौका दिया, हमें इज़्ज़त बख्शी। और हमारी नाज़िम, अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मजाक में कुछ कह दिया हो जी। पर उससे पहले मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी आपसे कि आप आएँ और आदित्य जी को जुनून गज़ल का खिताब पेश करें। नाज़रीन, हमारे जुनून गज़ल का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है, लेकिन मौसीकी का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। बस जाने से पहले यही कहना चाहूँगी, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया। खुदा हाफ़िज़।